नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल फ्रेशर्स काम में। जैसे कि आपको पता है, जो आज का हमारा टॉपिक है वो TCS NQT में आने वाली नई अपडेट के बारे में है। इस बार फिर से NQT के नए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो चुकी है। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब के साथ बेल बटन भी दबा दें ताकि आपको हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। साथ ही मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जरूर से हमारी वीडियोस को लाइक करते रहिएगा। हम लोग काफी मेहनत से आप सबके लिए वीडियोस बनाते हैं और हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अभी जैसा मैंने आपको बताया कि TCS NQT के नए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। इस बार जो पेपर होने वाला है वो अगस्त 2021 और नवंबर 2021 में होने वाला है। तो ये जो NQT का पेपर है, इसमें अगर आपने पहले कोई भी NQT का पेपर दिया हुआ है और अगर आपके कम स्कोर आए हैं या फिर अगर अब तक आपने कोई भी NQT का पेपर नहीं दिया हुआ है तो आप जरूर से रजिस्टर कर सकते हैं। जो भी बच्चे TCS के द्वारा अपना सिलेक्शन करवाना चाहते हैं किसी भी कंपनी में, वो यहाँ जरूर से अप्लाई करें और इस मौके को मत छोड़िएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सब लोगों के लिए जो TCS में अपना दोबारा से, जिनके कम नंबर आए थे या फिर जिनकी जॉब नहीं प्रोसीड हो पाई थी या फिर जिनका मौका ही नहीं मिला था रजिस्टर करने का, उन सब के लिए। तो इसकी जो अपडेट है वो TCS की वेबसाइट पर भी आ चुकी है, साथ ही मैंने आपको सोशल मीडिया पे भी मिल जाएगी और अभी मैं आपको आगे प्रोसेस भी दिखा दूंगी इससे रिलेटेड सारे डिटेल्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पे क्लिक करने के बाद आप इस पेज में आ जाएंगे जो कि TCS IUN का ऑफिशियल पेज है। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नए एप्लीकेशन ओपन हो चुके हैं जो इस बार की TCS NQT की रिक्रूटमेंट होने वाली है। यहाँ जो इस बार की डेट है वो अगस्त 2021 और नवंबर 2021 में होने वाली है। तो जो भी बच्चे इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, जिनका पहले स्कोर कम था या फिर जिन्होंने अब तक एक बार भी अप्लाई नहीं किया हुआ TCS NQT के लिए, वो यहाँ जरूर से अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आप यहाँ जैसे नीचे आएंगे तो आपको इससे जुड़ी सारी डिटेल्स भी मिल जाने वाली है इस बार की, कि ये जो नया NQT टेस्ट हुआ है इसमें दो तरह के टेस्ट होंगे जो कि कॉग्निटिव स्किल्स के होंगे और उसके अलावा आपको सब्जेक्ट NQT या इंडस्ट्री NQT ये देना पड़ेगा। पर ये जो NQT कॉग्निटिव स्किल है ये सबसे मेजर और इम्पोर्टेंट स्किल टेस्ट है, ये आपको देना मैंडेटरी ही है अगर आपको TCS में अपना सिलेक्शन करवाना है तो। जिन लोगों ने ये पेपर पहले दिया होगा और TCS NQT में रजिस्ट्रेशन किया होगा उनको इसके बारे में आइडिया होगा, पर जिनको नहीं है मैं उनको इस बारे में बता दूं कि ये जो है ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक नॉलेज आपका जज करता है। साथ ही साथ ये आपका एक क्वालिफाइंग राउंड जैसा टेस्ट होता है जिसका स्कोर जो है वो 2 साल के लिए वैलिड रहता है। तो 2 साल में आपको कोई भी कंपनी जो सिलेक्शन करती है वो स्कोर के अकॉर्डिंग पे ही करती है, साथ ही आपका जो एप्लीकेशन रहता है उसको भी बेसिस रखा जाता है। अब क्योंकि लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि लोगों को इंटरव्यू कॉल आते हैं TCS की तरफ से, साथ ही उनका प्लेसमेंट भी हो जाता है, पर कौन से NQT के बेसिस पे होता है ये कभी लोगों को क्लैरिफाई नहीं हो पाता है। अभी भी बहुत लोगों को डाउट रहता है TCS की हायरिंग को लेके कि हमारा कौन सा NQT का सिलेक्शन अभी हो रहा है, क्योंकि क्या होता है कि TCS NQT कई बार करवाता है साल भर में, पर उसमें से कौन से NQT में आपका सिलेक्शन हुआ है और किसके बेसिस पे आपको कॉल आ रहे हैं ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनके पोर्टल में इतना स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया रहता है। इसलिए आप लोग ये नया वाला जरूर से भर दीजिएगा अगर आपके इसके पहले के NQT के स्कोर्स अच्छे नहीं है तो, या फिर अगर आपके स्कोर्स अच्छे हैं और आप इस बार की जो रजिस्ट्रेशन और रिक्रूटमेंट प्रोसेस होने वाली है उसमें जरूर से अप्लाई करना चाहते हैं तो ये आप कॉग्निटिव स्कोर तो अपना सेम रहने दीजिए, पर आपका जो सब्जेक्ट NQT टेस्ट है वो आप दोबारा से दे दीजिएगा ताकि आपका एप्लीकेशन रिफ्रेश रहे और आपकी नई हायरिंग प्रोसेस में आपका सिलेक्शन जरूर हो पाए। अब ये जो है ये कॉग्निटिव स्किल का जो टेस्ट है ये वर्बल, न्यूमेरिकल और रीजनिंग एबिलिटी बेस्ड रहता है। साथ ही आपको यहाँ पे ये जो टेस्ट है ये प्री रिक्वायर्ड टेस्ट रहेगा, इसमें 2 इयर्स की वैलिडिटी रहती है इसके स्कोर की। साथ ही ये अब क्योंकि पेंडेमिक के चलते कई सारे शहरों में लॉकडाउन लगने वाला है, इसलिए यहाँ पे ये 2 इस बार की उन्होंने चांसेस दिए हैं और 2 तरह का आपको क्राइटेरिया दिया, या तो आप इसे ऑनलाइन दे सकते हैं या तो अगर आपके शहर में सेंटर है TCS का जो ऑफलाइन प्रोवाइड करता है टेस्ट, तो आप वहां पे ऑफलाइन भी दे सकते हैं। ये 2 तरीके हैं आपको टेस्ट देने के, आप इन दोनों में से कोई भी तरीके से टेस्ट दे सकते हैं। साथ ही आपको एंट्री लेवल रोल के लिए यहाँ पे ये जो टेस्ट है ये नेसेसरी होता है देना। अब इसमें जो अप्लाई कर सकते हैं उन लोगों में से UG, PG और डिप्लोमा के जो प्री फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे जरूर से अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही कोई भी डिग्री या स्पेशलाइजेशन के बच्चे जरूर से अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग के बेसिस पे हो या फिर BCA, BCom, BBA इन सब के बेसिस पे हो जरूर से। साथ ही फ्रेशर्स या फिर जिनका 2 साल से कम का एक्सपीरियंस है वो भी जरूर से यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। जो ये कॉग्निटिव स्किल टेस्ट है ये बहुत नेसेसरी टेस्ट है, क्योंकि अगर आप ये टेस्ट देंगे तो ही आप क्वालिफाई राउंड के लिए आगे जा पाएंगे। अब जैसा मैंने बताया आपको कि जो TCS NQT का टेस्ट होगा इसमें आपको इन सारी ब्रांड्स
में नौकरी मिलने की आपको चांसेस मिलेगी, साथ ही एप्लीकेशंस आप इनमें से किसी भी ब्रांड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इसे अच्छी तरह से देख लें और जिस भी ब्रांड में आपको अप्लाई करना है आप उसके लिए अपना एप्लीकेशन प्रोसीड कर देंगे। पर एक बात का ध्यान रखिएगा दर्शकों, क्योंकि अलग अलग ब्रांड्स की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, तो जब आप पेपर देते हैं तो उनकी आपकी जो एलिजिबिलिटी और उनका जो क्वालिफिकेशन नीडेड है, रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग ही आप पेपर दीजिएगा। क्योंकि जैसे देखिए, सबसे पहले मैंने आपको यहाँ बताया था वेरियंट, यहाँ पे तीन तरह के टेस्ट होते हैं, एनक्यूटी के, इंडस्ट्री स्पेसिफिक के, और ये सब्जेक्ट एनक्यूटी के। ये जो तीन तरह के टेस्ट होते हैं इसमें से आपको ये एनक्यूटी देना तो बिल्कुल मैंडेटरी है, बहुत नेसेसरी है, जैसा कि मैंने आपको बताया। उसमें भी ये कॉग्निटिव स्किल वाला जो है ये तो आपको देना ही है, चाहे आप इंडस्ट्री में दें, चाहे आप बीबीए के बच्चे, इंजीनियरिंग के बच्चे, किसी भी फील्ड के बच्चे, आपको कॉग्निटिव स्किल टेस्ट तो देना नेसेसरी है। और अगर आपने पहले दिया हुआ है कोई भी एनक्यूटी टेस्ट जिसमें आपका स्कोर अच्छा है, पिछले दो साल के अंदर की मैं बात कर रही हूँ, अगर आपने टेस्ट दिया है कॉग्निटिव का और आपका स्कोर अच्छा है, तो आप ये मत दीजिएगा, आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। साथ ही आप यहाँ सिर्फ सब्जेक्ट एनक्यूटी दे सकते हैं ये आईटी प्रोग्रामिंग के लिए। अब जैसे कि मैंने बताया अभी आपको, क्योंकि ये एनक्यूटी में क्या होता है कि अलग अलग कंपनी की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। तो मान लीजिए अगर आपने दो कंपनी में अप्लाई किया है, एक कंपनी की रिक्वायरमेंट में सिर्फ एनक्यूटी और सब्जेक्ट एनक्यूटी है, और अगली कंपनी है उसकी जो रिक्वायरमेंट और सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें आपको एनक्यूटी, साइकोमेट्रिक टेस्ट और सब्जेक्ट एनक्यूटी तीनों रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप ये सिर्फ दो टेस्ट दे देंगे कि कॉग्निटिव और सब्जेक्ट एनक्यूटी, तो फिर आप उस कंपनी में अप्लाई नहीं कर पाएंगे और आपसे वो मौका छूट जाएगा। इसलिए सेफ साइड रहने के लिए मेरी तरफ से आपको एडवाइस है कि आप ये तीनों टेस्ट दे दीजिएगा, कॉग्निटिव, साइकोमेट्रिक टेस्ट, अगर आप प्रिपेयर्ड हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट देने के लिए, साथ ही सब्जेक्ट एनक्यूटी टेस्ट में ये आईटी प्रोग्रामिंग वाला टेस्ट। ये तीनों टेस्ट अगर आप देंगे तो आप किसी भी कंपनी में जरूर से अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही आपके स्कोर्स अच्छे होंगे तो डेफिनेटली आपको प्रेफरेंस यहाँ पे जरूर मिलने वाला है। साथ ही अगर आपने जैसे बीबीए, बीकॉम या फिर बीसीए वगैरह के बच्चे हैं, तो आपको यहाँ एनक्यूटी का टेस्ट तो देना ही है, साथ ही आपको ये इंडस्ट्री एनक्यूटी के टेस्ट देने हैं, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इसके, या फिर सब्जेक्ट एनक्यूटी में बेसिक कंप्यूटर स्किल्स और अकाउंटेबिलिटी। तो आपको ये अपने जो आपका ग्रेजुएशन जिस फील्ड में है उसके अकॉर्डिंग में आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा टेस्ट देना है और नहीं देना है। एक बात का आप लोग जरूर से ध्यान रखिएगा दर्शकों, बिना प्रिपरेशन के ये टेस्ट मत दीजिएगा, क्योंकि आपके स्कोर्स अच्छे नहीं आएंगे तो वो आपकी प्रोफाइल पे जरूर से शो करेगा। आप लोग प्लीज प्रिपेयर होके पूरी तैयारी कर लीजिएगा, उसके बाद ये टेस्ट जरूर से दीजिएगा, क्योंकि ये टेस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे आपका फ्यूचर लिखा हुआ है, आपकी सिलेक्शन प्रोसेस आके इस पे डिपेंड करती है। जरूर से पढ़ के, तैयारी करके ये सारे टेस्ट दीजिएगा। अब जैसे आप यहाँ नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे कुछ और डिटेल्स मिल जाएंगे कि आपको यहाँ पे एनक्यूटी का जो टेस्ट देने से आपको इम्प्रूव एम्प्लॉयबिलिटी क्वेश्चन मिलता है, मतलब आपको ज्यादा मौके मिलते हैं अप्लाई करने के, और आपका प्रोफाइल भी है वो थोड़ा हाई हो जाता है, साथ ही आपकी विजिबिलिटी बढ़ जाती है, आपके प्रोफाइल को ज्यादा से ज्यादा कंपनियां देख सकती हैं, उसे एक्नॉलेज कर सकती हैं, आपको अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स मिलते हैं एनक्यूटी देने के, साथ ही आपको इंडस्ट्री के स्पेसिफिक जो उनका एनवायरमेंट है, जो उनकी नीड्स है, उसके अकॉर्डिंग आपको नॉलेज मिलती है, स्किल्स मिलते हैं, और आपको एक प्रॉपर जो टेस्ट का पैटर्न है वो देने की आदत बिल्ड होती है। अब सबसे पहले इसमें जो जर्नी रहती है, मतलब आपको जो स्टेप्स हैं इसमें अप्लाई करने के, उसके लिए आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपका पहले से रजिस्ट्रेशन है कि आपने किसी पहले ईयर में दिया हुआ है एनक्यूटी, आपका अकाउंट है ऑलरेडी, तो आप डायरेक्टली लॉगिन कर लीजिएगा। उसके बाद आपको टीसीएस का वेरिएंट बाय करना पड़ेगा। वेरिएंट बाय करना मतलब आपको कौन सा पेपर देना है आपको वो बाय करना पड़ेगा। उसके बाद आपको टेस्ट देना पड़ेगा जिसका नोटिफिकेशन आपको ईमेल के थ्रू मिल जाएगा। साथ ही आपको जैसे आपका स्कोर आ गया जो तो कि दो साल के लिए वैलिड रहेगा, उस स्कोर के अकॉर्डिंग आपको बेसिस पे अप्लाई करना पड़ेगा कॉर्पोरेट जॉब या फिर कोई दूसरे जॉब के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट होने के बाद। तो ये स्टेप्स हैं आपके पूरे एप्लीकेशन प्रोसेस के। अब यहाँ पे कुछ उन्होंने FAQs भी रखे हैं जिसमें आपको मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपकी क्वेरी के, जैसे कि आपको TCS NQT क्यों देना है, कॉग्निटिव स्किल क्यों नेसेसरी है, साथ ही यहाँ पे साइकोमेट्रिक स्किल क्यों नेसेसरी है, उसके अलावा यहाँ पे आपको सब्जेक्ट NQT, इंडस्ट्री NQT उससे रिलेटेड भी डिटेल्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट TCS NQT कब होने वाला है, एप्लीकेशन कब क्लोज होगा, तो यहाँ पे उन्होंने डेट मेंशन करी हुई है कि जो एप्लीकेशन क्लोज होने वाला है वो ऐसा है कि 15 दिन पहले, जो कि एग्जाम डेट रहेगी उसके 15 दिन पहले। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ये वाला जो पेपर होने वाला है ये अगस्त में और नवंबर में होने वाला है, इसका मतलब है कि आपके पास काफी एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है रजिस्टर करने के लिए, साथ ही साथ आपको जो एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है उसके लिए भी आपके पास काफी टाइम रहेगा।
तो आप उसके जरूर से प्रिपेयर करके दें। बिना प्रिपरेशन के पेपर मत दीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पेपर रहने वाला है आपके सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। अब इसमें जो इसके अलावा भी आपको यहाँ नीचे और सारे आपके जो क्वेश्चंस हैं, जो सारे डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, वो आपको दिख जाएंगी। आप एक एक करके इनको सबको पढ़ सकते हैं। इसमें आपके सारे डाउट्स क्वेरीज सॉल्व हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई और प्रोसेस में डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा। अब इसमें अप्लाई करने की जो प्रोसेस है उसके लिए आपको यहाँ ऊपर आना पड़ेगा। ऊपर आने के बाद आपको यहाँ अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आपका ये TCS NQT का वेरिएंट ओपन हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको इसमें से सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप कौन सा पेपर देने वाले हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे कॉग्निटिव स्किल्स को बाय करना पड़ेगा। उसमें आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपका ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, NQT का कॉग्निटिव स्किल्स का पेज। अब यहाँ पे इसमें आपको रिलेटेड सारी डिटेल्स भी मिल जाएंगी। आपको सैंपल टेस्ट देने का भी मौका मिलेगा। टेस्ट की जो डेट है वो अगस्त में होने वाली है। यहाँ पे आपको टेस्ट का कवरेज, अप्लाई कब कर सकते हैं, जॉब प्रोस्पेक्टस और टेस्ट के बारे में सारी डिटेल्स, वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग, न्यूमेरिकल, ये तीन इसमें डिटेल्स हैं। इसको आप देख सकते हैं। 120 मिनट्स का आपका टेस्ट होने वाला है और आपकी जो मार्क्स है वो 80 होने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पे एडवांटेज, की फीचर्स, ये सारी डिटेल्स मेंशन की हुई है। जब आप ये सब रीड कर लेंगे तो आपको अप्लाई करना है। उसके लिए आपको यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा। अगर आपका पहले से अकाउंट है तो आप डायरेक्टली लॉगिन कीजिएगा। अगर आप न्यू यूजर हैं तो आपको यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा। जैसे ही आप रजिस्टर कर लेंगे या फिर लॉगिन कर लेंगे तो उसके बाद आपको दोबारा से ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अब आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद इस तरह का आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको आपके सारे पर्सनल डिटेल्स जो है वो फिल कर देने हैं एक एक करके। साथ ही आपको यहाँ पे नीचे आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स, एग्जामिनेशन डिटेल्स, ये सारी चीजें, आपकी जो फोटो है वो अपलोड कर देनी है। सेंटर में कि ऑनलाइन आप पेपर देना, ये आप सोच समझ के चूज कीजिएगा। अभी बहुत टाइम है इसीलिए सिचुएशन के हिसाब से आप चूज कर लीजिएगा। उसके बाद आपको ये सारी डिटेल्स फिल करके सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक कर देने के बाद आपके पास एक नोटिफिकेशन इसी स्क्रीन में आ जाएगा कि आपका एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है। साथ ही आपको आपका NQT का रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल जाएगा। वो जो नंबर है आप उसे जरूर से सेव करके रख लीजिएगा, क्योंकि वो नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जाके आपका जो भी फर्दर कम्युनिकेशन होने वाला है उस नंबर के बेसिस पे ही होने वाला है, तो उस नंबर का आप जरूर से ध्यान रख लीजिएगा। साथ ही इसके अलावा आपको जो भी नोटिफिकेशन आएंगे आपके ईमेल पे आते रहेंगे आगे की प्रोसेस के लिए। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और आपको वो नोटिफिकेशन बॉक्स दिखेगा आपकी स्क्रीन पे कि आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो गया, आपका NQT नंबर मिल गया, फर्दर नोटिफिकेशन आपको ईमेल में आता रहेगा, उसके बाद आप उस बॉक्स को क्लोज कर दीजिएगा। उस बॉक्स को क्लोज करने के बाद आपको ऊपर साइड में जो मेन पेज है वही ओपन हो जाएगा और ऊपर साइड में आपको क्लिक टू प्रोसीड दिखेगा। उस क्लिक टू प्रोसीड में आपको क्लिक करने के बाद आपका जो एग्जाम का वाउचर है, जो आपके लिए बहुत नेसेसरी है एग्जाम देते समय, उसको डाउनलोड करना है। तो अब उसमें दो तरीके हैं कि अगर आप उसे चाहें तो आप अभी भी डाउनलोड कर सकते हैं, पर अगर आप चाहें तो कुछ दिन इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में अभी काफी दिन है। आप कुछ दिन वेट करके भी उसको डाउनलोड जरूर से कर सकते हैं। जब आपको कोई इनकी NQT TCS दोनों की तरफ से कोई अगर आपके लिए अप्लाई कूपन कोड रिलीज हो जाता है और अगर आपको प्रोवाइड हो जाता है कूपन कोड, तो आप उस कूपन कोड को लगा के उसको डाउनलोड जरूर से कर सकते हैं। क्योंकि अभी क्या है, आपको डायरेक्टली पूरा अमाउंट पे करना पड़ेगा अगर आप अभी डाउनलोड करेंगे तो उस वाउचर को। और अभी क्योंकि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में काफी टाइम है इसलिए आप वेट कर सकते हैं कुछ दिन का, कि अगर आपके पास कोई कूपन कोड अवेलेबल हो जाता है, क्योंकि अभी तक इन्होंने कोई भी कूपन रिलीज नहीं किया हुआ है। अगर ये कुछ दिन में कर देते हैं कूपन कोड रिलीज, तो आप उस कूपन कोड को यूज करके उससे कम अमाउंट में उस वाउचर को डाउनलोड कर सकते हैं। पर भूलिएगा मत उसे डाउनलोड करना, क्योंकि वो काफी नेसेसरी है आपके पेपर देने के लिए। तो ये कुछ डिटेल्स है एग्जाम प्रोसेस से रिलेटेड। अब आशा करती हूँ आपके लिए ये वीडियो उपयोगी रहा होगा। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।